विधान परिषद में सपा के लाल बिहारी यादव, क्या निरहुआ यादव का काउंटर है लाल बिहारी यादव? दूसरे अहीर को आजमगढ़ में अहमियत क्यों? आखिर लोकसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश के मन में क्या है? बिहारी यादव के जरिए क्या संदेश देने की फिराक में है अखिलेश यादव? यूपी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच में जबरदस्त शब्दों के तीखे बाण चलाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच में सामंजस्य अच्छा दिख रहा है। कई बार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर चुटकी लेते और मुस्कुराते भी नजर आते हैं। ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी ने यूपी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बना दिया है। हालांकि लाल बिहारी यादव को अभिनेता विरोधी दल बनाने की बड़ी वजह ये भी है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी दल के नेता संजय लाठर का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो गया है, और अब जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में अपना नेता बना लिया है और विधानसभा में खुद अखिलेश यादव विरोधी नेता है, तो एक तरह से दोनों सदनों में यादव के जरिए प्रतिनिधित्व कराने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि लाल बिहारी यादव आखिर हैं कौन, जिन पर अखिलेश ने विधान परिषद को लेकर इतना भरोसा जताया है कि एक सदन में एक तरह से खुद को अपने बराबर जैसा दर्जा दिया है। तो आपको बता दें, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रह चुके हैं लाल बिहारी यादव, शिक्षक नेता है और उन्होंने माध्यमिक शिक्षक संघ का वित्त विहीन गुट बनाया था। बलिया से मथुरा तक की पदयात्रा करके उन्होंने शिक्षकों के हित में बड़ा संदेश दिया था। वाराणसी से शिक्षक क्षेत्र से MLC है। साथ ही एक और जो खास बात है जिससे उनको विधान परिषद का नेता बनाए जाने की एक और मुख्य वजह सामने आ सकती है, वो ये उनका आजमगढ़ से रिश्ता। आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं लाल बिहारी यादव, जो कि समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव खुद वहां से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अखिलेश के लाल बिहारी यादव को चुनने के पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जब चर्चा डिंपल यादव को लोकसभा के उपचुनाव में उतारने की है, तो उससे जिले के यादव वोटर्स पर प्रभाव पड़ेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि चर्चा बीजेपी के आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव को उतारे जाने की ज्यादा है, तो अखिलेश यादव आजमगढ़ के ही युवा यादव को लाइमलाइट में लाकर यादव वोट बैंक को पूरी तरह अपने पक्ष में करने की फिराक में है। यानी कि लग रहा है जैसे दिनेश लाल यादव और निरहुआ के काउंटर में अखिलेश ने ये पासा फेंका है। हालांकि जिस हिसाब की राजनीति गलियारों में चर्चा थी, तो लाल बिहारी यादव का नामो निशान भी नहीं था कहीं पर। अहमद हसन के निधन के बाद संजय लाठर को नेता विरोधी दल बनाया गया था, तो लोगों को उम्मीद थी कि विधान परिषद में नेता विरोधी दल का पद अखिलेश के विश्वस्त और खांटी समाजवादी नेता राजेंद्र चौधरी को मिल सकता है, या फिर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोनों ही नेता वरिष्ठता के अनुसार इस पद के लिए फिट बैठते हैं, लेकिन लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बना दिया गया। आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आजमगढ़ लोकसभा की रिक्त सीट के लिए 6 जून को नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 9 जून को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी और फिर 23 जून को होगा आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव और फिर 26 जून को होगी मतगणना। तो क्या ये कहा जाए कि लाल बिहारी यादव को विधान परिषद का नेता बनाकर लोकसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है? वैसे आप अखिलेश के लाल बिहारी यादव को विधान परिषद के नेता बनाने के फैसले को कैसे देखते हैं? इस कदम के जरिए अखिलेश क्या संदेश देना चाहते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।